बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसानी से झटपट बन जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा बंस की, जो कि हम हल्की फुल्की भूख में भी ये बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये इफ्तार के लिए बेहतरीन रेसिपी है। तो चलें ये बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पाव चिकन ली है, ये तकरीबन 250 ग्राम चिकन है और इसमें एक कप दही हम ऐड करेंगे और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है, 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1/4 टीस्पून फूड कलर है ऑरेंज, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर है और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस सारे मसाले को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। अभी मैंने बन लिए हैं, ये इजीली बाज़ार में अवेलेबल होते हैं और इसको हम बीच में से इस तरीके से कट कर लेंगे और उसके जो ऊपर वाले पीसीज हैं वो हम अलग रख देंगे और जो इसके नीचे वाले पीसीज हैं हम किसी भी एक बेकिंग ट्रे के अंदर हम इस तरीके से लगा लेंगे। अगर आपके पास ये वाली बेकिंग ट्रे ना हो तो आप कोई भी बेकिंग ट्रे जो है वो ले सकते हैं। अब हमने जो ये मसाला रखा था फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए, इसको 2 घंटे हो चुके हैं, अब मैं इसको पकाऊँगी। एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है, आप इसके ऑयल भी ले सकते हैं और ये सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और उलट पुलट करते हुए 2-3 मिनट मैंने इस तरह से इसको उलट पुलट किया है और मैंने ढक के इसको पकने के लिए रख दिया है। ये तकरीबन थोड़ी देर में ही इसका पानी जो है खुश्क हो जाएगा। अब ये एक प्याली के अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा लहसुन जो है वो कुचल के डाल दिया है और थोड़ा सा 2 टेबल स्पून पिघला हुआ मक्खन ये हमने इसमें डाल दिया है। हरा धनिया बिल्कुल बारीक कट कर लीजिएगा और ये इसका ये मैं आपको बताऊंगी हमने ये किस लिए कर रहे हैं और इसको एक तरफ हम रख देंगे। अब हमारे चिकन का ये जो पानी है बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चिकन हमारी तैयार है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अब एक कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और ये गर्म गर्म कोयला दहकता हुआ हम इस पर रखेंगे और उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि इसका जो है धुआँ निकले स्मोक और इससे हमारे जो चिकन है उसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा स्मोक का। बस हमारी चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कोयले मैंने हटा दिया। अब ये चिकन जो है तैयार हुई भी, ये जो बंद हमने कट करके रखे थे इसमें हम ये सारी चिकन जो है इस तरीके से जितनी भी हमें ज़रूरत होगी हम लगा लेंगे। अच्छे से मैंने सारी चिकन इसके ऊपर लगा दी है और ये मैंने थोड़ी सी सब्ज़ियाँ ली हैं जिसमें हरी प्याज है बारीक कटी हुई और शिमला मिर्च है और टमाटर है, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हम अच्छे से सारा डाल देंगे इसके ऊपर। अब मैंने एक चिली गार्लिक सॉस लिया है, ये मैंने डाला है। इसकी जगह अगर आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये मोज़रेला चीज़ है, ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से मोज़रेला चीज़ मैंने अच्छे से इस पर डाल दी है और इसको इस तरीके से इसको ऊपर वाला पीसेस थे वो हमने ढक दिए हैं बंद के। अब ये जो हमने मक्खन तैयार किया था ना गार्लिक वाला और हरे धनिए का, ये हम एक ब्रश की मदद से अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे सारा। जब ये पकेगा ना हल्का सा तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। तो ये सारा मैंने लगा दिया और थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ जो है वो मैंने ऊपर भी डाल दी और ये थोड़ी सी सब्ज़ियाँ भी इस तरीके से लगा दी हैं और जो टमाटर वगैरह ये भी और ये काली मिर्च थोड़ी ही ज़रूर आप स्प्रिंकल कीजिएगा। काली मिर्च इस पर इस तरह से मैंने स्प्रिंकल कर दी है सारी और ये ऑरिगानो है ये भी स्प्रिंकल कर दें थोड़ा सा और ये ब्लैक ऑलिव हैं ये मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। ये देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। बस अब मैं इसको ओवन में बेक करूँगी। इसको हम 5 मिनट तक ओवन में बेक करेंगे 180 डिग्री पे। ओवन मैंने पहले ही प्रीहीट करने को रख दिया था। अगर आप चाहें तो इसको पतीली में ही बेक कर सकते हैं। पतीली को पहले से ही 15 मिनट पहले गर्म कर लीजिएगा और तकरीबन 10 मिनट तक इसको बेक कीजिएगा। इससे क्या होगा, इसकी चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी लेयर आ जाएगी जो मक्खन हमने लगाया था ना गार्लिक वाला उसकी। तो ये बहुत ही लजीज हमारे बंस जो हैं वो तैयार हो गए हैं और ये आप रमज़ानों में ही बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।